देखिए, स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है जिसका टाइटल है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसको राजीव अहिर जी ने लिखा है, इसको हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं। पूरी किताब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं लेटेस्ट वर्जन को अपना रेफरेंस मान के चल रहा हूँ, जो 2019 में आया है, जो रिवाइज्ड एंड एनलार्ज्ड एडिशन है, उसको मैं यहाँ पे लेके चलूंगा। तो स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में जब मैंने बहुत सारी किताबें देखी तो सबसे बेस्ट किताब मुझे स्पेक्ट्रम समझ में आई, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, इसलिए मैं इसको रेफरेंस मान के यहाँ पे चल रहा हूँ। जब तक ये प्लेलिस्ट आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की खत्म होगी, तब तक आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरीके समझ में आएगी, किसी और सोर्स से आपको रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर आप एडिशनल रेफरेंस चाहते हैं तो मेरे ही चैनल हर्षित द्विवेदी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां ऑलरेडी एक मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जहां पे मैंने इंडिविजुअल टॉपिक्स को सेग्रीगेट करके पूरी मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ा रखी है। बट किताब के पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे खत्म करूंगा और यहाँ पे सारी चीजें दोबारा रिवाइज होंगी विद अ मोर एनालिटिकल माइंडसेट। तो ये अगर आप पढ़ लेंगे तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एज फार एज मॉडर्न हिस्ट्री इज कंसर्न। साथ साथ में मैं लक्ष्मीकांत की भी सीरीज बना रहा हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। अभी तो फिलहाल मैं दो बुक्स टारगेट कर रहा हूँ, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री किताब है स्पेक्ट्रम की, और एक लक्ष्मीकांत की पॉलिटी। अगर इन दोनों किताबों को खत्म करने बाद अगर आप किसी और किताब को बोलेंगे तो मैं वो भी बनाऊंगा। यहाँ पे आपको टाइटल में दिख रहा है यूनिट 2। यूनिट 2 क्यों? क्योंकि दोस्तों यूनिट 1 में सोर्सेज एंड अप्रोचेस टाइटल है आपका, यूनिट 1 का सोर्सेज एंड अप्रोचेस। उसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो उसमें भैया की ये मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री कहाँ से मिली, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव से, आर्काइव मतलब कलेक्शन ऑफ हिस्टोलॉजी यू नो हिस्ट्री बुक्स, स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव से, फिर पुराने बहुत से बायोग्राफीज हैं, न्यूज़पेपर जर्नल्स हैं, तो उनको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 2 की बात करेंगे भाई तो अप्रोचेस हैं कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को किस किस अप्रोच से देखा गया है, तो नेशनलिस्ट अप्रोच, कॉलोनियल अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, कम्युनिस्ट अप्रोच, तो उन अप्रोचेस को भी हमको देखने की जरूरत नहीं। हमारा काम है कि न्यूट्रल माइंडसेट से हिस्ट्री को पढ़ना है, जो कि शुरू हो रही है आपकी यूनिट 2। यूनिट 2 का टाइटल है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंसोलिडेशन एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये गलती से आ गया है, तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ये यूनिट 2 है। इसका जो चैप्टर है चैप्टर 3 वो है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। और एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया में सबसे पहले बात करेंगे द पोर्तुगीज इन इंडिया। द पोर्तुगीज इन इंडिया में अगर आप अपने सामने देखिए ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया ऑर्डर करके अपने सामने खोल के रखिए, अपने सामने खोल के रखेंगे चीजें आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि मैं इस बुक को रेफरेंस लेके चल रहा हूं तो बुक आपके पास होनी जरूरी है, मेरा काम है आपको बुक को समझाना। तो इसमें पहले जो दो हेड्स हैं द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट टू इंडिया, इसको हम लोग देखेंगे, फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, यानी कि कैसे ये पुर्तगीज जो ट्रेडर्स आए थे इन्होंने अपने रूल करना शुरू किया, इन दो चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पे ये दो चीजें हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं इसको, एक मैप यहां नजर आ रहा है, मैं आपका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी एंशियंट मीडियल मॉडर्न पीरियड्स को पढ़ते हैं देखिए तो उनका सेग्रीगेशन अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने हिसाब से कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे हम मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत में हम लोग क्या देख रहे हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। शुरू किससे कर रहे हैं कि भैया यूरोपियंस ने इंडिया में आना कैसे शुरू किया। तो जब हम यूरोपियंस का इंडिया में आना शुरू करने की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमको मीडिवल पीरियड में जाना पड़ेगा, यानी थोड़ा बहुत हमको मुगल काल से पहले जाना पड़ेगा। अब चूंकि मुगल काल से पहले आपका पहुंच जाएगा मिडिवल हिस्ट्री, बट फिर भी समझने के लिए हल्का फुल्का वहां हमको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत होती है किसकी, द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट। देखिए दोस्तों रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर बहुत लंबे समय के लिए आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस में रहा है, किस इलाके में, तो भाई यूरोप के साउदर्न इलाके में। फिर आप कह सकते हो कि ये जो यूरेशिया वाला इलाका है यानी कि यूरोप और एशिया की बाउंड्री पे जो इलाका पड़ता है वो वाला इलाका, प्लस नॉर्थ अफ्रीका वाला इलाका, तो इस रेड लाइन के अंदर, ये जो आपको यहाँ पे इस मैप में रेड लाइन दिख रही है ना दोस्तों, इस रेड लाइन के अंदर जितना भी इलाका है वो किसी ना किसी समय पे रोमन एम्पायर के अंदर रहा है, और रोमन एम्पायर बहुत लंबे समय तक रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो बाइजेंटीन एम्पायर है, ये बाइजेंटीन एम्पायर एक्चुअली में ईस्टर्न रोमन एम्पायर कहा जाता था इस बाइजेंटीन एम्पायर को, इससे पहले से आपका रोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता था। अब यहां पे आप देखेंगे क्या, आप देखोगे कि 7th सेंचुरी के लगभग, दोस्तों 7th सेंचुरी के लगभग, 7th सेंचुरी से पहले आप ये कह सकते हो कि जो इजिप्ट है ना,
यहाँ पे देखिए ये पड़ता है इजिप्ट, बहुत प्रोमिनेंट टूरिंग डेस्टिनेशन है आज की डेट में, अलेक्जेंड्रिया और बहुत अच्छे अच्छे शहर हैं आपके इजिप्ट में। इस इजिप्ट में पहले रोमन्स का राज हुआ करता था। 7th सेंचुरी के समय पे ये जो रोमन शासक थे उनका दिमाग आया कि हम अपने राज पार्ट को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, तो उस एक्सपेंड करने के चक्कर में पर्शियंस ने अटैक किया और इस इजिप्ट पे कब्जा कर लिया। उस समय पे क्या था देखिए दोस्तों, कि नया नया इस्लाम का जन्म हुआ था और इस्लाम अपने आप को पूरी दुनिया में फैला रहा था। तो इसके बाद एक कंडीशन बनेगी क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम्स की, उसको हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो रोमन एम्पायर में इजिप्ट जो कि एक इंपॉर्टेंट शहर हुआ करता था, उस इजिप्ट को रोमन एम्पायर से बाहर निकाल दिया। किसने बाहर निकाल दिया? अरब्स ने बाहर निकाल दिया, और अब अरब्स का राज हो गया इजिप्ट पे। तब प्रॉब्लम ये हुई दोस्तों कि ये देखिए, इजिप्ट से एक सोर्स निकलता है आपका गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का। यहां देखिए, ये आपको जो इलाका नजर आ रहा है ना दोस्तों, ये इलाका है रेड सी का, और रेड सी के इलाके से यहां से पास करते हुए वेसल्स आपके इंडिया जा सकते हैं, और जिसका इजिप्ट पे कंट्रोल है वो इस रेड सी को कंट्रोल कर सकता है, आप एक तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि ये जो मेडिटेरेनियन सी है, इस मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में आपका साउदर्न यूरोप आ जाएगा, ठीक है, और साउथ में आपका नॉर्दर्न अफ्रीका आ जाएगा। तो यहां पे रोमन एम्पायर का कह सकते हो कि दबदबा था, और रोमन एम्पायर को मेडिटेरेनियन सी से रेड सी के थ्रू होते हुए अगर इंडिया पहुंचना है तो इस इलाके में कंट्रोल चाहिए, पर ये इलाका आपका रोमन एम्पायर के हाथ से चला गया, और बाद में इलाका आपका कह सकते हैं कि ओटोमन एम्पायर का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी। अब यूरोपियंस के पास, और खासकर आप कह सकते हो कि जो इधर यूरोपियंस है, जब यूरोपियंस के पास से ये इजिप्ट चला गया और ये इजिप्ट अरब के हाथों में चला गया, तो ये जो रेड सी के थ्रू इंडिया जाने वाली जो सुविधा थी ना, वो चली गई यूरोपियंस के हाथ में। और यूरोप में इंडिया का बहुत सा माल बिकता था, यूरोप में इंडिया के स्पाइसेस मसाले बिकते थे, कैलिकोस बिकता था, इंडिया का सिल्क बिकता था, बहुत सारी इंडिया की चीजें, इंडिया के प्रीशियस स्टोन्स बिका करते थे वहां पे, प्लस इंडोनेशिया से जो भी ट्रेड जाता था वो भी इस रेड सी के थ्रू जाता था, वो भी अफेक्ट हो गया। ओके दोस्तों, फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि जो ओटोमन एम्पायर है वो अपना राज में बढ़ने लगेगा। जो अरब्स की ताकत है, खासकर अरब्स की ताकत ये वाला जो इलाका है, एक तो यहां पे और ऊपर से इधर पे जो इलाका है, यहां पे जो अरब्स की ताकत है वो बढ़ेगी। और जैसे जैसे अरब्स की ताकत बढ़ेगी, आप देखोगे कि इंडिया के लिए जो सी रूट था वो भी अरब से कंट्रोल में आ जाएगा, और इंडिया के लिए जो लैंड रूट है वो भी आपका अरब से कंट्रोल में आ जाएगा। तो जैसे जैसे ये चीजें अरब से कंट्रोल में आते जाएंगी, वैसे वैसे यूरोप का जो कनेक्शन है इंडिया से वो कटता जाएगा। और फिर अगर यूरोप की कंट्रीज को इंडिया का सामान चाहिए, या यूरोप की कंट्रीज को अपना सामान इंडिया में भेजना है, तो उनको बीच में अरब इंटरमीडियरीज के साथ डील करना पड़ेगा। और ये जो अरब इंटरमीडियरीज थे, ये बड़े हाई दाम चार्ज करते थे, यानी ये अरब इंटरमीडियरीज इंडिया से सामान लाते थे और उस सामान को बहुत महंगे दामों में यूरोप में बेचते थे और बीच का प्रॉफिट कमाते थे। इसलिए जो यूरोपियन रूलर्स थे, इनका बड़ा मन था कि जैसे तैसे करके हमें इंडिया जाना है, हमें इंडिया के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, और ये जो बीच में जो अरब इंटरमीडियरीज है ना भाई, इनको हटाना है, ये इनके दिमाग में था। ओके, आगे बहुत सारी चीजें होंगी दोस्तों, क्या क्या होंगी इसको देख लेते हैं। 15th सेंचुरी यूरोप का जो समय है, आप कह सकते हो जो 15वीं शताब्दी है, उस समय पर भैया यूरोप में हर जगह रेनेसा की भावना उत्पन्न हो रही थी। रेनेसा की भावना मतलब हर चीज को क्वेश्चन करने की भावना, एक मॉडर्निटी वाला एलिमेंट आ रहा था। रेनेसा क्या है आपको मैं वर्ड स्ट्रीम बताऊंगा ठीक से। उसी समय पे यूरोप में शिप बिल्डिंग बहुत तेजी से बढ़ रही थी, शिपों को बनाना। अच्छा, शिप बिल्डिंग में यूरोपियंस बहुत तेज रहे हैं, और शिप बिल्डिंग में जो अरब मर्चेंट्स है वो यूरोपियंस से थोड़ा नीचे रहे हैं, उस लेवल पे नहीं रहे। तो शिप बिल्डिंग तेज हो रही थी यूरोप में, और पूरे यूरोप में एक ईगरनेस की भावना थी कि भैया ईस्ट की कंट्रीज में चलते हैं शिपों के बहाने, इन अरब इंटरमीडिएट्स को हटा के अगर हम किसी तरीके से ईस्ट पहुंच जाएंगे तो भाई हम काफी पैसा कमा सकते हैं इन अरब इंटरमीडिएट्स को हटा के। क्योंकि जो बीच का रीजन था, ट्रांजिट वाला रीजन था, चाहे वो समुन्दर का रीजन हो चाहे वो लैंड का रीजन हो, वो बंद हो चुका था, उस पे आपके अरब मर्चेंट्स का दबदबा हो चुका था, ठीक है। फिर ये भी हो रहा था दोस्तों कि यूरोप में आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा था। यूरोप में जो एग्रीकल्चर के अंदर जो लैंड था वो बढ़ रहा था। फिर
एग्रीकल्चरल टेक्निक्स अच्छी हो रही थी, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट के तरीके इनको मिल रहे थे ताकि क्रॉप रोटेशन करो, अच्छा भाई वाटर सप्लाई करो, तो आप कह सकते हो कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी आपकी यूरोप की वो बढ़ रही थी। बट इनको एक चीज की कमी बहुत महसूस होती थी, वो थे स्पाइसेस। और स्पाइसेस भाई इंडिया से आते थे और आपके इंडोनेशिया से आते थे, और इंडिया इंडोनेशिया वाले रूट पे कौन कंट्रोल कर रहा था, तो अरब मर्चेंट्स कंट्रोल कर रहे थे। ये चीज इन यूरोप वालों को खटक रही थी, इनको चाहिए था कि भैया हम सीधे पहुंचे। उसके बाद बहुत सारे लग्जरी गुड्स भी आया करते थे ईस्ट से, तो ईस्ट से ट्रेड करना था, केवल इंडिया नहीं, यहाँ पे इंडिया इंडोनेशिया बाकी जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज है सबकी बात हो जाएगी। अब यूरोप में दो पोर्ट है, एक पोर्ट है वेनिस, एक पोर्ट है जेनोवा, ठीक है। अब अगर आप वेनिस पोर्ट की बात कर लो, वेनिस तो आपका इटली में आ गया। अब यहां पे देखिए ओरिएंटल गुड्स का ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से होता है। अब सवाल उठता है कि भाई ये ओरिएंटल गुड्स क्या होते हैं, तो ओरिएंटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ईस्ट से आते हैं, तो ईस्टर्न इलाके से, और इसमें ईस्ट में एशिया इंडिया जैसे इलाके आ गए, तो वहां पे जो गुड्स आ रहे हैं, जो लग्जरी गुड्स आ रहे हैं, उनको आप बोलोगे ओरिएंटल गुड्स। तो पहले जो वेनिस और जेनोवा थे आपके यूरोप में, वहां पे क्या है कि भैया ओरिएंटल गुड्स का तगड़ा ट्रेड था, लेकिन फिर बताया कि भाई बीच में इन अरब्स का कंट्रोल आ गया, टर्क्स का कंट्रोल आ गया, उसके चलते इनका जो कनेक्शन था एशिया के साथ टूट गया। तो भाई अब पुर्तगाल और स्पेन जैसी कंट्रीज सामने आ रही थी, और ये पुर्तगाल और स्पेन जैसी कंट्रीज को बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने भी मदद की कि भैया आप एक काम करिए, हम आपको शिप्स भी देंगे, टेक्निकल नॉलेज भी देंगे, पैसा भी देंगे, आदमी भी देंगे, आप जो चाहिए आप हमसे लीजिए, लेकिन किसी तरीके से एशिया का रास्ता ढूंढिए। एक बात तो ये बोली गई, यहां पे जेनोवा से एक शब्द निकलता है जेनुइज। देखिए ये जेनुइज क्या होता है, नेटिव और इनहेबिटेंट ऑफ द इटालियन सी पोर्ट ऑफ जेनोवा। तो ये जो जेनोवा है आपका इटली में है, यहां पे जो लोग रहते थे पहले, ये जो जेनुइज थे ये बहुत सारा ट्रेड करते थे ओरिएंटल गुड्स में, अरब और टर्क्स के आने की वजह से इनका ओरिएंटल ट्रेड हो गया बंद। तो ये जेनोवा के लोग और यूरोप के दूसरे जगह के लोग वो पुर्तगाल और स्पेन की मदद कर रहे थे कि भैया आप ट्रिप्स लीजिए और कैसे तैसे करके एशिया का रास्ता निकालिए। फिर एक और भावना उस समय पर उठ रही थी, और वो भावना था भैया आपका क्रिश्चियनडम। इसको बोला जाता है क्रिश्चियनडम रेजिस्टेंस टू इस्लाम। क्रिश्चियन का मतलब क्या है कि भैया क्रिश्चियन वर्ल्ड, क्रिश्चियन स्टेट, वो कंट्रीज जहां पर क्रिश्चियनिटी मेजोरिटी में। तो क्रिश्चियनडम एक पावर की तरह उठ रहा किसके अगेंस्ट, कि भैया इनका वर्सेस इस्लाम का आप कह सकते हो कि एक तरीके से जंग थी। अब वो जंग चाहे आप रिलीजियस जंग बोल लो, चाहे आप कॉमर्शियल वॉर बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो इस क्रिश्चियन नॉम में एक देश सामने आया, एक्चुअली दो देश सामने आए थे, एक देश जो सबसे ज्यादा सामने आया वो देश था आपका पुर्तगाल। पुर्तगाल ने लीडरशिप ली, थोड़ा बहुत स्पेन ने भी लीडरशिप ली कि भैया ये जो अरब मर्चेंट्स की बादशाहत है ना, इसको हम रोकेंगे। अब रोकेंगे कैसे, तो भैया पुर्तगाल के एक प्रिंस थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। इन प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर भी कहा जाता था। इन प्रिंस हेनरी का एक ऑब्सेशन था, एक पैशन था, ये चाहते थे भैया ये जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और ये जो बीच का जो इलाका, ये जो अरब मर्चेंट्स ने कब्जा रखा है, कैसे ना कैसे करके इनका कब्जा करो खत्म, और कैसे ना कैसे करके हमको यूरोप को इंडिया से जोड़ना है, यूरोप को एशिया से जोड़ना है। और इन्हीं प्रिंस हेनरी को जो पोप निकोलस फाइव थे उस टाइम के, उन्होंने एक बुल दिया, एक बैल दिया 1454 में, एक तरीके से कह सकते हैं कि इनफॉर्मल राइट दिया कि आप ओरिएंट के शोर्स पे जाइए और एक तरीका ढूंढिए कि कैसे इस इस्लामिक इन्फ्लुएंस को हटाया जाए। यहां देखिए, यहां पे आपको नजर आएगा फ्रेंड, देखिए लिस्बन, ये रहा पुर्तगाल आपका, ठीक है, ये रास्ता पुर्तगाल के लिए हो चुका है बंद। तो ये जो आपके हेनरी हैं, हेनरी सोच रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इधर से ऐसे करके इंडिया पहुंचा जाए, क्योंकि ये वाला रास्ता तो बंद है भैया, पैदल रास्ता भी आपका बंद है। ये चीज करने की एक आप कह सकते हो कि परमिशन इनको मिल गई पोप निकोलस फाइव से, तो पोप निकोलस फाइव आपका क्रिश्चियनिटी धर्म के प्रचारक थे, ठीक है, तो धर्म और राज का यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको इंटरमिक्स देखने को मिल रहा है, अक्सर कर हिस्ट्री में हमको देखने को मिला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे वो उलेमा की सुनते थे, उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हेनरी ऑफ पुर्तगाल है, जो प्रिंस है, वो इन पोप की सुन रहे हैं। लेकिन ये जो डिस्टेंट शोर्स ऑफ ओरिएंट जाने की जो इनकी इच्छा थी, डिस्टेंट शोर्स ऑफ ओरिएंट मतलब एशिया और इंडिया के शोर्स तक जाने की जो इनकी इच्छा थी प्रिंस हेनरी की, वो पूरी नहीं हो पाई।
पूरी क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि इनका देहांत हो गया 13 नवंबर 1460 को। उसके बाद कुछ सालों तक जो रूलर्स आए वो उतने ज्यादा पैशनेट नहीं थे। फिर भाई 1497 में एक ट्रीटी हुई, और उस 1497 की ट्रीटी को बोला गया ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, TORDESILAS। ये 1494 में हुई थी ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। इस ट्रीटी में बोला गया कि इन्होंने भैया अटलांटिक ओशन के बीच से एक इमेजिनरी लाइन खींच दी। अभी इधर आपको अटलांटिक ओशन दिख रहा है भाई, तो यहां पे कहीं पे इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन खींची और कह दिया कि इस इमेजिनरी लाइन के ईस्ट में जितना भी एक्सप्लोरेशन है ना वो पोर्टुगल करेगा, और इसके वेस्ट में जितना भी एक्सप्लोरेशन है वो कौन करेगा, तो वो स्पेन करेगा। ये बात बोली गई। अब कहां से ये लाइन खींची गई उसमें आप मत जाइए। तो इस लाइन के ईस्ट में सारा एक्सप्लोरेशन पोर्टुगल करेगा। इस लाइन में जब ईस्ट में सारा एक्सप्लोरेशन पोर्टुगल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है अब इंडिया तक पहुंचने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वो किसके ऊपर आएगी, वो आएगी पुर्तगाल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पहुंच गई। सबसे पहले जो एक्सपेडिशन निकला जो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ वो हुआ 1487 में। बहुत सारे और एक्सपेडिशन निकले दोस्तों पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए। 1487 में पहला एक्सपेडिशन निकला, एक पोर्तुगीज नेविगेटर थे जिनका नाम था बार्थोलोम्यू दियास। अब इनके थोड़े से नाम अलग हैं, BARTHOLOMEW DIAS। इनका नाम आप अपना इसमें स्पेक्ट्रम में भी देख सकते हैं, अगर आप होप आप इसको पढ़ रहे होंगे। तो बार्थोलोम्यू दियास ये पहले पुर्तुगीज नेविगेटर थे जो भाई यहां पोर्टुगल से शुरू हुए, और पोर्टुगल से शुरू करते 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 भैया वो केप ऑफ गुड होप पे पहुंच गए और इसको पार कर लिया। इसको पार करके ईस्ट के किसी शोर पे पहुंचे, एग्जैक्ट नहीं पता कि कहां पहुंचे, और इन्होंने बोला कि भाई मैंने, इन्होंने क्लेम किया कि मैंने ये रास्ता ढूंढ लिया है कि कैसे केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके इंडिया जाया जा सकता है। हालांकि ये इंडिया पहुंच नहीं पाए थे। पहली बार इंडिया में पोर्टुगीज शिप्स कब पहुंचे, 1497 में पोर्तुगीज शिप्स निकले कहां से, पोर्टुगल से, और वो इंडिया, यहां पोर्टुगल से निकले और वो इंडिया के कोस्ट में पहुंच गए कब, May 1498 को। लगभग 11 महीने या कह सकते हैं थोड़ा बहुत 11 महीने से कम समय में ये शिप्स जो कि पुर्तगाल से निकले थे वो आपके पहुंच गए इंडिया। अब इन शिप्स ने उन सारे एक्सपेडिशंस जो पहले इससे हुए थे उनके एक्सपीरियंसेस को देखा, उनसे जो हार मिली थी, कुछ तो डूब गए भाई वापस ही नहीं आए लौट के, कुछ वापस पहुंचे किसी तरीके से, तो उनके एक्सपीरियंसेस को एक्यूमुलेट करके कैसे तैसे करके ये शिप्स आपके इंडिया पहुंचे। यहां से भैया कहानी शुरू होती है वास्को डी गामा की, और यहां से होता है अपना सेकेंड हेड इशूडम जिसको आप बोलोगे फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। तो फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग में सबसे पहले जो नाम आएगी वो है भैया द लेजेंडरी वास्को डी गामा। इन्होंने भैया आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री के रुख को बदल दिया। तीन शिप्स वास्को डी गामा के कह सकते हैं कि बादशाहत के अंदर, एक गुजराती की मदद से, उस गुजराती का नाम था अब्दुल माजिद, तो इस अब्दुल माजिद की मदद से और वास्को डी गामा की लीडरशिप में तीन शिप्स कैलिकट पहुंचे May 1498 में। ठीक है, और इसने पूरे इंडियन हिस्ट्री के कोर्स को बदल दिया। क्यों कोर्स को बदल दिया दोस्तों, क्योंकि देखिए बात यह है कि अब तक इंडिया पे समुन्द्र से पहुंचने का रास्ता केवल अरब मर्चेंट्स को पता था, और वो रास्ता जैसा कि मैंने आपको बताया रेड सी के थ्रू होता हुआ जाता था। लेकिन अब एक ऐसा रास्ता निकला जो केप ऑफ गुड होप को पार करके वहां पहुंच रहा, मतलब अरब की पूरी अथॉरिटी को उन्होंने स्किप कर दिया। जैसे ही वास्को डी गामा यहां पहुंचा तो कैलीकट के कोस्ट पे वो पहुंचा। कैलीकट पे उस समय पे जो राजा था वो था जेमोरिन, और जेमोरिन था एक हिंदू, ठीक है, और ये था बहुत लालची आदमी। इसको कोई आइडिया नहीं था कि ये जो पोर्टुगीज यहां पे आए हैं इनका क्या इंटेंशन है, इनका असलियत में क्या इरादा है, ये यहां क्या करने आ रहे हैं। शुरू शुरू में जो पोर्टुगीज के आने का इरादा था, एक तो इनको ट्रेड को मोनोपोलाइज करना था, ये सबके साथ मिलजुल के ट्रेड करने में भरोसा नहीं करते थे। ये जितने भी यूरोपियंस आए हो, सबसे पहले जो पोर्टुगीज आए, इनका सीधा सीधा दिमाग में एक चीज थी कि भैया हम हर चीज पे अपना हक रखेंगे, हर चीज को मोनोपोलाइज कर देंगे, किसी के साथ शेयरिंग वेयरिंग करने का हमारा बवाल नहीं होगा, पहली चीज थी। दूसरा, इनको भैया इस्लाम से प्रॉब्लम थी,
अरब रूलर्स के अगेंस्ट थे। बताया ना कि पुर्तगाल भाई क्रिश्चियन नॉम पे टॉप पे था। क्रिश्चियन नॉम मतलब क्रिश्चियंस का एसोसिएशन, वो कंट्रीज जहां पे क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, जो क्रिश्चियन धर्म के प्रचारक है। और जब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इनको भेजा गया था ना, तो वहां पे इनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जितना हो सके वहां पे जाके क्रिश्चियन धर्म का भी प्रचार प्रसार करिएगा। तो ये सब चीजें चल रही थी। तो ज़ेमोरिन को जैसे ही पता चला कि भाई कोई आया है वास्को डी गामा, और चूंकि कैलिकट एक ऐसा पोर्ट था जहां पे सारे पोर्ट्स आते थे, रिफ्यूल करते थे, थोड़ा बहुत ट्रेड करते थे, निकल जाते थे, इस ज़ेमोरिन ने वास्को डी गामा का किया वेलकम। अब वास्को डी गामा का वेलकम करने में भी भाई ज़ेमोरिन का एक इंटरेस्ट था। ज़ेमोरिन का इंटरेस्ट ये था कि भैया ये वास्को डी गामा मेरे लिए लेके आया पैसे, मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आया होगा। क्योंकि उस समय तो प्रथा चलती थी कि भाई दूसरी जगह से कोई जाएगा तो जहां जाएगा वहां के राजा के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाएगा, लेकिन ज्यादा गिफ्ट लेके आया नहीं और वास्को डी गामा ज़ेमोरिन की ज्यादा बनी नहीं। ओके, अब जब ये वास्को डी गामा पहुंचा तो भैया वहां पे जो पहले से अरब ट्रेडर्स थे उनका दिमाग खराब होगा कि भाई ये कहां से आ गया, अच्छा खासा हमारा धंधा चल रहा है इस मालाबार कोस्ट पे, इस केरला कोस्ट पे, ये भैया कहां से पहुंच गया वास्को डी गामा। और पुर्तुगीज वहां पर पहुंच गए थे। अब एक तरीके से क्लैश की स्थिति उभरेगी जो धीरे धीरे आपके सामने आगे आएगी। जो इंडियन ओशन में जो ट्रेडिंग का तरीका था, जो इंडिया में ट्रेडर्स आया करते थे, वो बहुत अलग अलग जगह से आया करते थे। तो इंडिया का जो केरला का कोस्ट था वहां पे अरब मर्चेंट्स भी थे, वहां पे चाइनीज मर्चेंट भी थे, अफ्रीका से भी लोग आते थे, एशिया की और जगहों से लोग आते थे, बहुत अलग अलग जगह से लोग आते थे। इनका इंडोनेशिया के साथ भी ट्रेड था। अब भैया यहाँ पे सब लोग मिलजुल के ट्रेड कर रहे थे, कोई ऐसा नहीं था कि अपनी बादशाहत मेंटेन करना चाहता हो ट्रेड में। लेकिन इन पुर्तुगीज का जैसा कि मैंने बताया कि पहले से एम था कि इनको ट्रेड को करना था मोनोपोलाइज, इनको ट्रेड में चाहिए थी बादशाहत, मिल बांट के खाने वाले इंसानियत थे ही नहीं। तो वास्को डी गामा इंडिया में 3 महीने के लिए रहा। 3 महीने बाद उसकी यहाँ पे लोकली थोड़ी सी हालत बिगड़ने लगी, उसके पास बैकअप भी ज्यादा नहीं था, ज़ेमोरिन से भी उसकी पंगेबाजी चल रही थी। तो भैया 3 महीने बाद उसने अपने शिप्स में कार्गो भरा जो कि उसने इंडिया से खरीदा था और वापस पुर्तगाल के लिए निकल गया। वो वापस पोर्टुगल पहुंचा। वापस पोर्टुगल पहुंच के जो सामान उसने इंडिया से खरीदा था जब उसने वहां पे बेचा, उसको जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। और इस प्रॉफिट को देख के जितने भी मर्चेंट्स थे सबकी बाछे खिल गई। उनको समझ में आ गया कि भैया इंडिया और एशिया का जो ट्रेड रूट है ना वो खुलना चाहिए। क्योंकि काली मिर्च, स्पाइसेस, ये जो हम अरब ट्रेडर से खरीदते हैं, ये अरब ट्रेडर्स हमको 10 गुने दाम में बेच रहे हैं। और अगर वो चीज हम सीधे अपने शिप्स चला के लेके आ जाएं, तो मान लीजिए अगर वो हमें 10 रुपए में मिलेगी तो ये अरब ट्रेडर्स 10 गुने यानी 100 रुपए में हमको बेच रहे हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो भैया सारे ट्रेडर्स की आंख खुल गई कि भैया किसी ना किसी तरीके से हमको भैया सीधे सीधे पहुंचना है इंडिया, ये जो बीच के मिडिल मैन है ये हमको चाहिए नहीं। और अब तो ये सब मर्चेंट्स को सीधे सीधे दिखाई पड़ना लगा। क्यों? क्योंकि भैया वास्को डी गामा एक बार ऐसा करके आ चुका है। समझ गए दोस्तों? फिर इसके बाद वास्को डी गामा के बाद एक और आप कह सकते हैं कि बोलिए कि एक एक्सपेडिशन होगा। ये एक्सपेडिशन कौन करेगा? ये एक्सपेडिशन करेगा पेड्रो एल्वारेस कैब्राल। नाम थोड़ा सा अलग है। तो पेड्रो एल्वारेस कैब्राल ये एक वॉयज लेगा। इसको भी स्पाइसेस खरीद के लाने हैं। स्पाइसेस और ओरिएंट गुड्स को वो इंडिया से खरीद के लाएगा और उसको आके पोर्टुगल में बेचेगा, यूरोप में बेचेगा। ये भैया इंडिया पहुंचा। इंडिया पहुंचा ये सितंबर 1500 में। इसने थोड़ा वास्को डी गामा से ज्यादा रुक के चीजों को करने की कोशिश की और ये अपने साथ अच्छी खासी एक फौज को लेके गया था, अपने साथ अच्छे खासे आदमी वगैरह लेके गया था। इसने लोकल रूलर से बात करके किसी तरीके से अपने लिए एक छोटी सी फैक्ट्री ले ली और उसने कैलीकट में अपनी एक छोटी सी पुर्तुगीज फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, तो पुर्तुगीज फैक्ट्री एस्टैब्लिश हो गई पेड्रो एल्वारेस कैब्राल की। अब भैया पहले ही वास्को डी गामा यहाँ आ चुका था, पुर्तुगीज यहाँ पहुंच चुके थे, अरब मर्चेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था। वास्को डी गामा थोड़े बहुत वहां पे लिंक्स बना चुका था। पेड्रो एल्वारेस कैब्राल पहुंचा, उसने अपने लिंक्स बढ़ाए, एक फैक्ट्री खोल दी। जब फैक्ट्री खोल दी तो ऑब्वियसली बात है लोकल्स को समझ में नहीं आया और ना अरब मर्चेंट्स को समझ में आया, क्योंकि इन पोर्तुगीज का जो स्टांस था ना बड़ा एग्रेसिव पोस्चर था इसका। मिल बांट के काम करने वाले लोग ये थे नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो हुआ क्या कि एक दिन ये जो पेड्रो एल्वारेस कैब्राल की जो पुर्तुगीज फैक्ट्री थी ना, इसमें भाई कुछ लोकल्स ने अटैक कर दिया, कुछ अरब्स ने मिलकर अटैक कर दिया, लोकल्स और अरब्स ने मिलकर। भैया उसमें बहुत सारे पुर्तुगीज गए मर।
जब पुर्तुगीज मर गए तो भैया ये जो पेड्रो एल्वरस कैब्राल आया था ना, अकेले नहीं आया था ये, भैया पूरी फौज लेके आया था अपनी ये साथ में। और जब इसने देखा कि मेरे आदमी मरे, इसको आ गया गुस्सा, इसने कहा कि भैया अब तो होगी लड़ाई। तगड़ी लड़ाई हुई और कैब्राल ने बहुत सारे जो अरब के मर्चेंट शिप्स थे उनको तबाह कर लिया, उनके क्रूज को पकड़ के मार दिया, उनके कार्गो को कॉन्फिस्केट कर लिया, शिप्स को जला दिया। क्योंकि खास बात यह थी कि भले ही फ्रेंड्स ये पुर्तुगीज लैंड में ताकतवर ना हो, लेकिन ये पुर्तुगीज समुन्द्र में बहुत ताकतवर थे। आप सोचिए, लिस्बन से तैरते हुए केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए वो यहां पहुंच गए। यहां देखिए इस मैप में, यहां से शुरू हुए हैं वो, ठीक है। और ये भैया पूरा ओशन पार करते 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 वो इंडिया के यहां पहुंचेंगे। आप समझ ही लीजिए कि कितना जबरदस्त उनको शिप की कमांड हो गई होगी यहां पे, बिल्कुल मिडिल समुन्दर को क्रॉस करके आए हैं। इतना भैया अरब मर्चेंट्स को यहां पे एक्सपीरियंस था नहीं, यहां के लोकल जो रूलर्स थे उनको तो कुछ भी नहीं पता था। तो कैब्राल ने भैया रिटेलिएट किया, और जब कैब्राल ने रिटेलिएट किया तो उसके जितने आदमी मरे थे उससे बहुत ज्यादा आर्मी उसने अपने अपोजिशन के मार दिए। तो अब हालत बहुत बिगड़ गई थी, तरखाट मच गया, बहुत मारा काटी सी हो गई कैलकट में, ठीक है। लेकिन कैब्राल जल्दी वहां से गया नहीं दोस्तों। कैब्राल कुछ दिन तक वहां पे रुका, उसने बहुत सारी ट्रीटीज बनाई कोचीन की और कैनन और के जो लोकल छोटे मोटे टाइप के रूलर्स थे ना उनके साथ उसने बहुत सारी ट्रीटीज बनाई इस कैब्राल ने। तो कैब्राल ने भी पोर्तुगीज पावर को, पोर्तुगीज की पकड़ को इंडिया में स्ट्रॉन्ग किया। तो सबसे पहले आया वास्को डी गामा, फिर आया पेड्रो एल्वारेस कैब्राल। फिर आप देखेंगे कि भैया वास्को डी गामा की होगी री एंट्री 1501 में इंडिया में। अब एक बार तो उसने खून चख ही लिया था, ठीक है। अब पुर्तगाल में तो मन लग नहीं रहा होगा कि भैया एक बार हीरो बन के आया हूं, मुझे फिर हीरो बनना, फिर से पहुंच गया वो। अब इस बार वास्को डी गामा ने कोशिश की कि ज़ेमोरिन से बात करके अरब मर्चेंट्स के जितने भी राइट्स हैं वो मैं ले लेता हूं, ठीक है। और इस बार वास्को डी गामा का पोस्चर बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि पेड्रो एल्वारेस कैब्राल ने पोर्तुगीज का जो पोजीशन थी काफी स्ट्रांग कर दी थी यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत जर्नलिस्ट परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, एक्चुअली में बीच में बहुत कुछ हुआ था दोस्तों। तो ये पुर्तुगीज की प्रेजेंस अब तक काफी स्ट्रांग हो चुकी थी, और वास्को डी गामा कह रहा था कि या तो मतलब वास्को डी गामा एक तरीके से आप कह लीजिए इनडायरेक्टली धमकी दे रहा था राजा ज़ेमोरिन को, ये अरब मर्चेंट्स को हटाओ। ज़ेमोरिन की भैया अरब मर्चेंट से अच्छी खासी बनती थी, पैसा वैसा मिलता था, तो ज़ेमोरिन ने सीधे सीधे मना कर दिया कि मैं भैया अरब मर्चेंट्स को तो सीधे सीधे नहीं हटाऊंगा। फिर जो आसपास का इलाका था, कन्ननूर का इलाका था, कोचीन का इलाका था, वहां पे वास्को डी गामा में लोकल रूलर्स के साथ ट्रीटी करके अपने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स को सेटअप कर लिया। तो धीरे धीरे आसपास के इलाके में थोड़ा बहुत पैसा, साम नाम दंड भेद का इस्तेमाल करके ये पुर्तुगीज अपने ट्रेड सेंटर्स को सेटअप कर रहे थे, और वहीं के लोकल रूलर से लेके परमिशन लेके इन्होंने अपने इन्हीं ट्रेड सेंटर्स को फोर्टिफाई कर लिया। अब देखिए दोस्तों, जब भी फोर्टिफिकेशन होने लगता है, फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे आपकी सेटलमेंट है, इस सेटलमेंट के चारों तरफ आप ऊंची ऊंची दीवारें बनवा लो, इसको बोलते हैं फोर्ट बनाना। तो उस फोर्ट में आप एक ऊंचाई पे आ जाओगे, आप ऊंचाई पे आ जाओगे तो आप अपनी पोजीशन को अच्छे से बचा पाओगे। पर फोर्ट्स तो हमेशा ही मिलिट्री पर्पजेस के लिए बनते हैं फ्रेंड्स, ट्रेड और बिजनेस के लिए फोर्ट्स ना बनते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेड और बिजनेस हो रहा है तो फोर्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप फोर्ट बना रहे हो तो आप मिलिट्री एक्टिविटी करने को तैयार हो। तो लेकिन साउथ इंडिया में भी कोई एक रूलर तो था नहीं, उन रूलर की भी कोई आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म पॉलिसी थी नहीं, ऊपर से एक सब करप्ट थे। तो कोचीन, कन्ननूर और आसपास के इलाके में बहुत सारी फैक्ट्रीज बनाई इन पुर्तुगीज ने, और उनको फोर्टिफाई भी कर लिया, यानी अपने आपको मिलिट्रीली भी इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। यहाँ पे एक छोटा सा व्यू दिया हुआ है दोस्तों कि जब वास्को डी गामा कैलिकट में आया ना 1498 में, भैया वर्ल्ड हिस्ट्री में आप कह सकते हैं कि एक नया मोड़ आ गया, एशिया और यूरोप के बीच के रिलेशंस में एक नया मोड़ आ गया। क्योंकि पहले एशिया और यूरोप के बीच में जो कॉमर्शियल रिलेशन थे वो डिपेंड करते थे मिडिलमैन पे, और वो मिडिलमैन थे आपके कौन, वो मिडिलमैन थे फ्रेंड्स आपके अरब मर्चेंट्स, ठीक है, अरब मर्चेंट्स थे वो मिडिलमैन। लेकिन अब वो मिडिलमैन निकल गए बीच से, अब वो मिडिलमैन बाकी निकल गए भैया, सब कुछ ओपन हो गया, पूरा का पूरा सी रूट ओपन हो गया। और यहाँ पे गुस्सा आया किसको, मुस्लिम्स को, अरब्स को, तुर्क को, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम तो बीच में बैठे हैं, ठीक है। लेकिन उस बीच की चीज को स्किप करते हुए पोर्तुगीज केप ऑफ गुड होप से कह सकते हैं घूम के आ सकते। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम की जो एनमिटी है ना वो भी थोड़ी बढ़ी है। फिर यहाँ पे कहानी थी, ये जो काम किया ना आपका वास्को डी गामा ने, वास्को डी गामा ने एक
प्रायर जॉन कह लीजिए या प्रेस्टर जॉन कह लीजिए, ये प्रेस्टर जॉन एक लेजेंडरी क्रिश्चियन पैट्रियार्च थे, किंग थे। ये एक्चुअली यूरोप के जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है ना, खासकर पोर्टुगल के जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है 12th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक में, उसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर समझ लीजिए कि एक प्रेस्टर जॉन है, और प्रेस्टर जॉन एक ऐसे पर्सन है जिनका दुनिया भर में राज है, ठीक है ना, अलग अलग जगह पे राज है। तो प्रेस्टर जॉन की कहानी में जिस तरीके से क्रिश्चियन लीडर को टॉप में दिखा रखा है ना, कुछ उस तरीके का करने की कोशिश कर रहे थे पोर्तुगीज। यानी पोर्तुगीज क्या कर रहे थे कि ऊपर से तो भाई एक साइड से तो वो अरब के सामने थे मेडिटेरेनियन में, ठीक है, पीछे से वो इंडिया में आए और उन्होंने सोचा कि अब इंडिया से हम धीरे धीरे अफ्रीका में अपना दबदबा बनाएंगे और इन अरब्स को, इन टर्क्स को हम दो तरफ से घेरेंगे। ये प्लान था पोर्तुगीज का, ठीक है। यानी बीच का जो एरिया इन्होंने कब्जा रखा था अरब्स ने, कौन सा एरिया कब्जा रखा था यहां पर दिखाता हूं। आप कह सकते हैं कि ये वाला जो इलाका था आपका, ये अरब्स ने कब्जा रखा था, ठीक है। तो ये जो आपका कनेक्शन था, ये कनेक्शन ये टूट गया था इन पोर्तुगीज का। तो पोर्तुगीज ने सोचा कि भैया इस तरफ से तो हम इन अरब्स के सामने ही हैं, पीछे से इंडिया पहुंच के हम यहां पे अफ्रीका में भी अपना राज बनाएंगे और दो तरफ से इन अरब्स को घेरेंगे और इनको फाइनली हरा देंगे। एक तरीके से क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम की बात हो रही थी यहां पे, और चूंकि पुर्तगाल क्रिश्चियन डॉम का सपोर्टर था तो सारे जो इनके रूलिंग गवर्नर्स बाद में आएंगे वो भी यही काम करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे किसको, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। कौन थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा? 1505 में जो पुर्तगाल का राजा था उसने एक गवर्नर को अपॉइंट किया इंडिया में 3 साल के लिए। उस गवर्नर को भाई अच्छी खासी फोर्स दी, अच्छी खासी फोर्स के साथ उसको भेजा, उसको बोला कि जाओ और पोर्तुगीज इंटरेस्ट को बढ़ाओ। और पोर्तुगीज इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाओगे, तो पोर्तुगीज की पॉलिटिकल पावर को भी बढ़ाइए आप इंडिया में, साथ साथ एडन के पोर्ट को, ऑर्मुस के पोर्ट को और मलक्का के पोर्ट को सीज करिए। अब ये एडन, ऑर्मुस और मलक्का के पोर्ट को सीज करने की बात हो रही। गल्फ ऑफ एडन पे एडन का पोर्ट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको कहां पता, मलेशिया के पास पड़ता है दोस्तों, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुस, ये सब बहुत फेमस पोर्ट है। आपको जाके मैप में देखिए एटलस में, तो भैया एडन का पोर्ट, हॉर्मुस का पोर्ट और मलक्का का पोर्ट उस समय से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे पोर्ट्स को सीज करने का ऑर्डर दिया भाई पुर्तगाल के राजा ने इस फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। फिर ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जब यहां पे आया तो और जितनी भी फोर्ट्रेसेस बनती जा रही थी पुर्तगीज के, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटलमेंट्स थे वहां पे इसने फोर्ट्रेसेस बनाने शुरू कर दिए। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का एक मानना था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का मानना यह था कि भले ही आप लैंड पे उतने स्ट्रांग ना हो, अगर तो आपकी नेवी स्ट्रांग है और अगर आप नेवी पे कंट्रोल करते हो तो आप राजा हो। क्योंकि लैंड पे जो लोग रह रहे हैं, लैंड पे जो अरब मर्चेंट्स रह रहे हैं, ये किस बेसिस पे सरवाइव कर रहे हैं? इस बेसिस पे सरवाइव कर रहे हैं कि इनका माल जो भी ये ट्रेड करते हैं वो आता तो समुंदर से ही है ना। तो अगर हम समुंदर पे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमारी नेवी स्ट्रांग है, तो हम लैंड पे भी कंट्रोल कर लेंगे। जब ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा यहां पे आया, इसके लिए आसान नहीं था। ज़ेमोरिन भी इसके अगेंस्ट था और इजिप्ट का एक सुल्तान था ममलूक सुल्तान, ये भी इसके अगेंस्ट था। और चूंकि ऑब्वियस सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, जब आप इस पोजीशन पे बैठे हो दुनिया आपके अगेंस्ट हो ही जाएगी। उस समय पे जो टर्क्स थे, जो इजिप्शियंस थे, वो भी बहुत नाराज हो गए थे आपका पोर्तुगीज पे। तो भैया इजिप्टियंस ने रेड सी में एक सेना तैयार कर उन्होंने बोला कि भैया हम पुर्तगीज को आगे बढ़ने नहीं देंगे, पुर्तगीज को हराएंगे। 1507 में हुआ ये कि पुर्तगीज का एक छोटा सा नेवल बैटल हुआ इजिप्टियन और गुजरात नेवी के साथ। यानी कि एक तरफ पे थी इजिप्ट के लोगों की नेवी और गुजरात के शासक की नेवी, ठीक है, और एक तरफ पे थी पुर्तगीज नेवी। तो दीयू के पोर्ट के पास, दीयू के तट के पास ये दोनों लड़े और पोर्तुगीज इसमें गए हार। ओके, तो पोर्तुगीज हार गए यहां पे। और इस लड़ाई में ये जो आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था ना, उसके बेटे की हो गई मृत्यु। लेकिन फ्रांसिस्को भी अल्मेडा भी खतरनाक कमांडर था। अगले ही साल उसने फिर से लड़ाई किया और इजिप्ट और गुजरात की कंबाइंड नेवी को उसने हरा दिया, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का एक सपना था कि भैया पोर्टुगीज को इंडियन ओशन का मास्टर बनाना है, इसलिए उसकी पॉलिसी को बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। तो आपके लिए एक सवाल और बनता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दी थी? वो दी थी आपकी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें इसकी भी देख रहे हैं हम। देखिए और भी बहुत सारी चीजें छोड़ रही है फ्रेंड्स यहाँ पे।
अगर आप फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की डिटेल्स में जाएंगे, वास्को डिगामा की डिटेल्स में जाएंगे, तो और भी बहुत से डिटेल्स हैं। लेकिन जब मैं मिडिवल हिस्ट्री बताऊंगा ना, तो एक एक कहानी को और तोड़ूंगा। यहाँ पे तो क्या है कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की हल्की फुल्की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। जो इस किताब का आप कह सकते हो दायरा है, उसी दायरे में मैं रहूंगा। आगे देखते हैं अल्फांसो डी अल्बुक्यूर्के। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के पास एज अ पुर्तुगीज गवर्नर कौन आया, तो वो आए अल्फांसो डी अल्बुक्यूर्के। आप कह सकते हो कि पुर्तुगीज पावर को इंडिया में जो सेटल करने का सबसे पहला श्रेय जाता है, मतलब परमानेंट सेटल करने का, या कह सकते हो कि रियल फाउंडर ऑफ पुर्तुगीज पावर इन द ईस्ट, वो अल्फांसो डी अल्बुक्यूर्के है। अल्फांसो डी अल्बुक्यूर्के ने पुर्तगाल की स्ट्रेंथ को बहुत तेजी से बढ़ाया इंडियन ओशन में। इसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, रेड सी, मालाबार और मलक्का स्ट्रेट, हर जगह पुर्तुगीज बटालियन को जाके बैठाया, पुर्तुगीज सेटलमेंट को बनाया इसने, होर्मुज के स्ट्रेट में भी, रेड सी में भी दोस्तों, मलक्का के स्टेट में भी। यानी जिस चीज के लिए भेजा था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को किंग ऑफ पुर्तगाल ने, वो चीज पूरी की बाद में अल्फांसो डी अल्बुक्यूर्के ने। ऐसा नहीं है कि अल्मेडा ने उसको नहीं कर पाया, अल्मेडा ने उसका एक बेस बनाया, उस बेस का इस्तेमाल किया बाद में अल्बुक्यूर्के ने ये काम करने के लिए। फिर आप देखोगे कि जब होर्मुज जैसे पोस्ट पे, रेड सी जैसे पोस्ट पे और मलक्का स्ट्रेट में अगर किसी एक पावर का कंट्रोल आ जाता है, तो वो पावर उस जगह से पास होने वाले सारे शिप्स से एक टैक्स कलेक्ट कर सकती है, और ये टैक्स बहुत पैसा देता है, क्योंकि इन इलाकों से बहुत सारे शिप्स हमेशा से गुजरते आए हैं। फिर एक और प्रॉब्लम थी दोस्तों, ये जो इलाका था ना आपका, ये रेड सी वाला जो इलाका, ये वाला इलाका जहां पे आपका अरब्स का कंट्रोल था, टर्क्स का कंट्रोल था, यहां टिम्बर की कमी मिलती थी, लकड़ी की कमी मिलती थी, इसलिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इस इलाके में उतनी डेवलप नहीं थी जितनी की आपकी यूरोप में डेवलप थी। इस चीज का भी फायदा मिला है किसको, सारे पोर्तुगीज के गवर्नर्स को। तो शिप बिल्डिंग में आप कह सकते हो कि यूरोपियंस एकदम से आगे निकल गए, पुर्तगाल एकदम से आगे निकल गया, और टर्क्स थोड़ा सा बैकग्राउंड में आ गए, थोड़ा सा डिसएडवांटेज में आ गए। फिर भैया गोवा को भी फ्रांसिस्को डी अल्बुक्यूर्के के टाइम पे ऑक्यूपाई किया गया था, सुल्तान ऑफ बीजापुर के राज में गोवा था। 1510 में गोवा की स्ट्रीट्स में एक बैटल लड़ा गया, और उस बैटल में भैया पोर्तुगीज विजयी हुए, और गोवा पोर्तुगीज की पहली टेरिटरी बना जिसमें पूरी तरीके से किसका कंट्रोल आया, पोर्तुगीज का। और जैसे ही पोर्तुगीज का यहाँ पे कंट्रोल आया, उन्होंने एक प्रथा को बैन किया जिसका नाम है सती प्रथा। तो इंडिया में सती प्रथा को सबसे पहले बैन करने वाले कौन थे, पोर्तुगीज थे। अकबर ने भी बहुत कोशिश की थी कि भाई सती प्रथा को बंद किया जाए, लेकिन सती प्रथा को अकबर बंद नहीं कर पाया, लेकिन पोर्तुगीज ने जैसे ही इस गोवा पे ऑक्यूपाई किया, सती प्रथा बैन कर दी। एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी यार इन पोर्तुगीज गवर्नर्स की, कि भैया मुस्लिम परसिक्यूशन तगड़ा करते थे, जो इस्लाम के अगेंस्ट वाली भावना थी ना इनमें बहुत थी। तो कई सारे कह सकते हैं कि मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने तबाह कर दिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया, इस तरीके की चीजें बहुत थी। तो गोवा, बैटल ऑफ गोवा में जब लड़ाई हुई थी, बहुत सारे मुस्लिमों की मौत हुई थी, पुर्तुगीज ने बहुत आराम से गोवा को जीत लिया था। ठीक है, अब अल्बुक्यूर्के ने अपने आदमियों से कहा कि अगर पुर्तुगीज कल्चर को इंडिया में एस्टैब्लिश करना है, या टू बी प्रिसाइज गोवा में एस्टैब्लिश करना है, तो जरूरी यह है कि पुर्तुगीज लीनियज को बढ़ाया जाए, और पुर्तुगीज लीनियज को बढ़ाया जाए तो उसने अपने आदमियों से कहा कि जो इंडिया की औरतें हैं आप उनसे शादी करना शुरू कीजिए। तो अगर आप इंडिया की औरतों से शादी करना शुरू करेंगे, तो जो बच्चे होंगे वो हमारे पुर्तुगीज कल्चर को सीखेंगे। और ये जो लोग आए थे ना पुर्तगाल से, पूरे पूरे लोग आके यहाँ पे आके सेटल हो गए थे गोवा में, और वो लोग आर्मी में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने भैया अपना खेत लेके वहां पे कह सकते हैं क्रॉप्स उगाने शुरू कर दिए, प्लांटेशंस खोल दी, तो भाई टोबैको की खेती होने लगी, कैश्यू नट की खेती होने लगी, कोकोनट की खेती होने लगी, कॉयर रिगिंग कॉर्डेज, यानी कि कोकोनट के आप कह सकते हो कि फाइबर्स को यूज करके जो रस्सी बनाने वाला काम है वो भी होने लगा। फिर आर्टिसंस भी आए पुर्तगाल से, क्राफ्ट्समैन भी आए, बहुत सारे ट्रेडर्स भी आए, तो एक बड़ी कम्युनिटी आई थी। फिर बहुत सारी पॉलिटिकल कम्युनिटी भी आए, पुर्तगीज आर्मी के जो सोल्जर्स थे, ऑफिसर्स थे, वो सब भी आए, और वो सब आके यहाँ पे पुर्तगाल में और खासकर गोवा के आसपास के इलाकों में हो गए सेटल। तो उन्होंने अब इंडिया को अपना घर मान लिया, ना कि पुर्तगाल को। तो एक तरीके से कह रहे थे परमानेंट पुर्तगीज सेटलमेंट आ गए इंडिया में, ये किसी भी तरीके से टेम्पररी नहीं थी, ये परमानेंट सेटलमेंट थी। आगे एंड में बात करेंगे हम लोग नियानो डी सुन्हा की, आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन फ्रेंड्स। ये भाई नवंबर 1529 में बने आपके गवर्नर, पुर्तगीज गवर्नर इंडिया में, और इन्होंने अपने आने के एक साल के अंदर ही जो कैपिटल थी
उसको कोचीन से शिफ्ट किया गोवा में। तो पोर्तुगीज की जो कैपिटल थी इंडिया में वो थी कोचीन, उसको उन्होंने क्या बना दिया, गोवा बना दिया। अब उस समय पे दोस्तों हो क्या रहा था कि देखिए मुगल एम्परर थे उस समय पे हुमायूं, ठीक है, हुमायूं वाज द मुगल एम्परर। हुमायूं का पंगा चल रहा था गुजरात के एक लीडर थे या राजा थे बहादुर शाह के साथ। तो बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में सीधी सीधी झड़प थी। बहादुर शाह ने सोचा कि हम इन पोर्तुगीज से मदद ले लेते हैं हुमायूं के अगेंस्ट में। तो पहले तो पोर्तुगीज ने बहादुर शाह के साथ मिलकर हुमायूं के अगेंस्ट लड़ाई की। बाद में हुमायूं को लगा कि यार गुजरात के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं, तो हुमायूं ने अपनी सेना वापस बुला ली, ठीक है। अब इस बीच में हुआ क्या क्या है देखिए दोस्तों, जब मुगल एम्परर हुमायूं के अगेंस्ट में बहादुर शाह को जरूरत थी ना, तो बहादुर शाह ने पुर्तुगीज को 1534 में बसीन का आइलैंड दे दिया था। तो एक बसीन नाम का आइलैंड था, ये बसीन नाम का आइलैंड बहादुर शाह जो कि गुजरात की लीडर थे इनके अंदर था। तो पुर्तुगीज की हेल्प पाने के लिए हुमायूं के अगेंस्ट में, और ऑब्वियस बात है पुर्तुगीज ने भैया कोई धर्म बांट तो बेचा नहीं है, खोला नहीं है, तो पुर्तुगीज से मदद लेने के लिए पुर्तुगीज को बसीन दे दिया और बोल दिया कि भैया इस बसीन से आने वाला जितना भी रेवेन्यू होगा पूरा आप ही के अंडर में आ जाएगा ये बसीन। जैसे ही हुमायूं वापस लौट गया वैसे ही बहादुर शाह और पुर्तुगीज के रिलेशन खराब हो गए, क्योंकि भाई पुर्तुगीज भी लालची थे। अब ऐसा तो है नहीं कि वो बहादुर शाह को छोड़ देंगे, उनको अब और चाहिए भाई। हुमायूं 1536 में छोड़ चुका था आपका गुजरात को। तो भैया देखिए पुर्तुगीज और बहादुर शाह के बीच में एक तरीके की लड़ाइयां यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। और पुर्तुगीज भी बाकी यूरोपियन कनिंग पावर्स की तरह थे, एक दिन इन्होंने चालूपना करके क्लेवरनेस करके बहादुर शाह को मिलने के लिए बुलाया अपने एक शिप पे। बहादुर शाह दोस्त समझ के चले गए और उस शिप पे बहादुर शाह को अकेले पकड़ के पुर्तुगीज ने इनको मार दिया। तो इस तरीके के थे ये पुर्तुगीज, मतलब कि चाम दाम दंड भेद कुछ भी करके हमको ऑक्यूपाई करना है। बहादुर शाह को किसने मारा, पुर्तुगीज ने मारा धोखे से। फिर आगे बात करते हैं, ये जो नीनो डा सुन्हा था केवल वेस्टर्न, अब ये देखिए इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में गुजरात यहाँ है और भैया बंगाल यहाँ है, तो ये गुजरात है ये बंगाल है। नीनो डा सुन्हा ने बंगाल में भी भैया पुर्तुगीज एस्टैब्लिशमेंट्स बनाने की कोशिश की, बहुत सारे पुर्तुगीज नेशनल्स को हुगली में रखने की कोशिश की। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि प्रॉपर टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने की कोशिश की थी यहाँ पे पुर्तगालियों ने, ये इनका पूरा पूरा सीन था। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके भाई, अच्छा आप यहाँ पे बात किया जाए कि इतना पोर्टुगीज जो इंडिया में बढ़े क्या क्या कैसी कंडीशंस थी जिसने पोर्टुगीज को बढ़ने में मदद किया। देखिए दोस्तों यहां पे बोलोगे आप कि जो मुगल्स थे, मुगल्स को पूरी तरीके से एस्टैब्लिश होने में थोड़ा समय लगा था। तो जब आपके पोर्टुगीज इंडिया में आए तो इंडिया का जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा था ना, उस समय पे आप कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत वगैरह खत्म हो चुका था या एंड पे था और ज्यादा ताकत था नहीं उसमें, दिल्ली सल्तनत ज्यादा ताकत बची नहीं थी। एक रूलर था गुजरात में जिसका नाम था महमूद बेगरहा, महमूद बेगरहा आपका किस टाइम पीरियड में एक्टिव था, महमूद बेगरहा आपका एक्टिव था 1458 से 1511 के टाइम पीरियड में। तो भैया ये थोड़ा पावरफुल था तो इसके इलाके में ये घुस नहीं पाया पोर्तुगीज। लेकिन पोर्तुगीज जब इंडिया में था तो उस समय डेक्कन में था बहमानी किंगडम, और बहमानी किंगडम उतना स्ट्रांग था नहीं दोस्तों, ठीक है। तो बहमानी किंगडम उतना स्ट्रांग नहीं था, और भी भाई दो तीन किंगडम्स थे। ये सब किंगडम भले ही थोड़ा लैंड पे स्ट्रांग हो लेकिन इनकी नेवी अच्छी नहीं थी, और पोर्तुगीज ने जो कुछ भी पाया है इंडिया में उन्होंने अपनी नेवी के दम पे पाया है। जब आप ब्रिटिशर्स को देखोगे ना फ्रेंड्स, तो ब्रिटिशर्स ने अपनी नेवी को भी स्ट्रांग किया, साथ साथ उसने अपनी लैंड फोर्स और अपनी कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी को भी बहुत स्ट्रांग किया, लेकिन पोर्तुगीज ने अपनी नेवी पे थोड़ा ज्यादा ही ध्यान दिया। उस समय पे पोर्तुगीज को दूसरी तरफ से उतना चैलेंज क्यों नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला फ्रेंड्स क्योंकि देखिए अरब मर्चेंट्स जो थे, अरब मर्चेंट्स नेवी के फॉर्म में, शिप ओनर्स के फॉर्म में पोर्तुगीज के सामने थोड़ा ज्यादा डिसएडवांटेज पे थे। तो जब नेवी की बात आएगी, नेवी में ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की बात आएगी, नेवी पावर की बात आएगी, तो पोर्तुगीज वर वे अबव देन अरब मर्चेंट्स। तो इसलिए अरब मर्चेंट्स यहाँ पे पोर्तुगीज से जीत नहीं पाए। इंडिया के जो छोटे छोटे राज्य रगवाड़े थे जैसे कि बहमानी किंगडम हो गया, बहमानी किंगडम थोड़ा बहुत लैंड पे स्ट्रांग हो पर नेवी के फॉर्म में बिल्कुल जीरो था। तो अब और कौन बचा पोर्तुगीज को यहाँ पे आप कह सकते हो कि टक्कर देने के लिए, खासकर ईस्टर्न जो हेमिस्फीयर में वो अपना ताकत बना रहा था उसको टक्कर देने के लिए। तो भाई चाइनीज एम्परर
चाइना की नेवी उस समय पे स्ट्रांग थी, लेकिन चाइना की नेवी में प्रॉब्लम थी कि चाइनीज एम्परर ने एक शाही फरमान इशू कर रखा था कि एक लिमिट से आगे जाना नहीं है, तो कभी जो चाइनीज की नेवी थी और पोर्तुगीज की नेवी थी वो क्लैश में इस समय पे आई नहीं, तो इसके चलते यहाँ पे पोर्तुगीज को बहुत सारे एडवांटेज मिल गए। प्लस भैया पोर्तुगीज की जो नेवी थी ना इतनी तगड़ी थी, वो अपने शिपों पे कैनन तोपे लगा के चलते थे, और भैया दूर जो दिखा इनका तो ये हाल था कि अगर कोई दूर दिख गया तो उससे पैसा मंगा के भाई पैसा दे, उसने पैसा नहीं दिया तो तोप दाग के उसकी पूरी पूरी शिप ही उड़ा देंगे। इस तरीके के लोग थे, बहुत रथलेस, बहुत ही क्रूअल, बहुत ही मर्सीलेस, किसी को भी मार देंगे एक सेकेंड भी नहीं सोचेंगे। मुस्लिम्स को तो उन्होंने इतना मारा कि पूछो मत। तो ये था भाई अभी तक का आपका हिसाब, हमने दो चीजों को यहाँ पे देखा है दोस्तों। एक तो हमने देखा है कि भैया कैसे एक सी रूट को ढूंढा इंडिया के, और फिर कैसे ट्रेडिंग से रूलिंग में ये लोग एंटर किए। इसके बाद हम लोग पोर्तुगीज स्टेट पे जाएंगे दोस्तों, पोर्तुगीज स्टेट पे देखेंगे, बाद में फिर आपका पोर्तुगीज का डिक्लाइन शुरू होगा। शुरू में तो फिर पोर्तुगीज थोड़ा बहुत मुगल से भी टक्कर में आएंगे, मुगल से टक्कर में आने के बाद पोर्तुगीज का डिक्लाइन शुरू होगा, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आप उसको कोई सजेशन या कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप मैं जस्टिस कर पा रहा हूँ इस वीडियो के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में बताइए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।